नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन। राज्य के 4000 पंचायतों में खोले जाएंगे प्रदूषण जांच केंद्र। बिहार में 50,000 से अधिक शराबियों का आधार रिकॉर्ड तैयार। इस योजना से जुड़कर श्रमिक ले सकते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा लाभ। सहारा में फंसा पैसा मिलेगा 45 दिनों के अंदर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर टेक्नीशियन एवं वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर भर्ती। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय की ओर से जूनियर टेक्नीशियन एवं वेलफेयर ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 108 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 16 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। योग्य एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ISPNASIK.SPMCIL.com पर जाकर भर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने पदानुसार डिग्री, डिप्लोमा, संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसके साथ ही 16 अगस्त 2023 के अनुसार अभ्यर्थी की अधिकतम आयु जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए 25 वर्ष से ज्यादा एवं वेलफेयर ऑफिसर के लिए 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर पाए अनुदान। अगर आप भी उन किसानों में से हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। बता दें कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए किसानों को प्रति इकाई लागत 1.25 लाख रुपए हेक्टेयर का 40% अनुदान सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में जो किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और अपना आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या फिर इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वे http://horticulturebihar.gov.in पर जा सकते हैं। बिहारी बोथले में आज हम बात करेंगे बलाई चंद मुखोपाध्याय के बारे में। बलाई चंद मुखोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1899 में हुआ था। यह एक भारतीय बंगाली भाषा के उपन्यासकार, लघु कथाकार, नाटककार, कवि और चिकित्सक थे। उन्होंने बानाफूल के उपनाम से लिखा था। वह पद्म भूषण के नागरिक सम्मान के प्राप्त करता थे। वह अपने छोटे छोटे लघु चित्रों के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जो अक्सर केवल आधे पृष्ठ लंबे होते हैं, लेकिन उनका काम 65 वर्षों तक फैला हुआ है और इसमें हजारों कविताएं, 586 लघु कहानियां, जिनमें से कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, शामिल है। 60 उपन्यास, 5 नाटक, कई एकांकी नाटक, पाश्चपट नामक एक आत्मकथा और कई निबंध के लिए जाने जाते हैं। उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार ने उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया। बलाई चंद मुखोपाध्याय को 1951 में शरद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1962 में उनके उपन्यास हाटे बजारी पर रविंद्र पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति से उन्हें स्वर्ण पदक मिला था तथा भारत सरकार ने उन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1977 में वे बंगला साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। उनकी जन्म शतवार्षिकी पर सिन्हा उनके जीवन वृत्त पर फिल्म बनाई थी। 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए लिए जाने वाले परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज यानी कि 19 जुलाई अंतिम दिन है। ऐसे में जिन इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है, वे तय समय सीमा के अंदर BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क के साथ 22 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थी शुल्क भुगतान करने से पहले तक ही किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बता दें कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2023 तक है। मालूम हो कि विभाग की ओर से आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में संभावना कम है कि आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाए। सहारा में फंसा पैसा मिलेगा 45 दिनों के अंदर। सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिन्होंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए सहारा के पास जमा किया था, वह आपको रिटर्न मिलने वाला है। सारे के बीते दिन सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के वास्तविक डिपॉजिट्स
का वैलेट क्लेम करने के लिए मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि CRCS लॉन्च कर दिया गया है, जिस पर निवेशकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल लॉन्च करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को पूरी राशि लौटाई जाएगी, जबकि इसमें 4 करोड़ लोग हैं, तो बाकी लोगों को शुरुआती समय में 10,000 रुपये की राशि उन्हें दी जाएगी। अगर हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारे पास अभी निवेशक बचे हैं और पैसे की कमी हो गई है, ऐसे में हमें और भी पैसे की जरूरत है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जिन निवेशकों को ऑनलाइन करने में परेशानी होगी उन्हें CST के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने की सुविधा मिलेगी। राज्य के 4,000 पंचायतों में खोले जाएंगे प्रदूषण जांच केंद्र। राज्य में वाहनों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वाहनों की तुलना में प्रदूषण जांच केंद्रों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऐसे में परिवहन विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में पंचायत स्तर पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, ताकि वाहन मालिक अब अपने पंचायत में ही प्रदूषण जांच करा सकते हैं। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से शुरुआत में राज्य के 4,000 पंचायतों में प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि यह जांच केंद्र खोलने के लिए लोगों को अपनी पूंजी लगानी होगी, यानी कि सरकार की ओर से आपको इसमें निवेश करने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। बता दें कि विभाग की ओर से प्रखंड में 2-4 प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। इच्छुक लोग जो प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं वह परिवहन विभाग के वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/hi पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई 2023 तक https://misfisheries.bihar.gov.in/registerfisheries.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप पंजीकृत कर चुके हैं तो https://misfisheries.bihar.gov.in/login.aspx पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का यह लक्ष्य है कि राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज पिन आधारित मत्स्य पालन तकनीक के द्वारा मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाना है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप 1800-3456185 पर संपर्क कर सकते हैं। के पाठक को सुप्रीम से मिली राहत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम रोक लगा दिया गया है, जिसमें उन्हें कोर्ट में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था, जिससे कि अब के पाठक को राहत मिल गई है। बता दें कि पहली की सुनवाई में जस्टिस PV बजंत्री की खंडपीठ के द्वारा एक अवमानना के सिलसिले में के पाठक के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था। बता दें कोर्ट की ओर से उन्हें 13 जुलाई 2023 को निश्चित रूप से पेश होने को कहा गया था, लेकिन किसी कारणवश के पाठक उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा इस आदेश की अवमानना करार देते हुए उनकी हाजिरी को सुनिश्चित करने हेतु जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई 2023 को की जाएगी। बिहार में नाले के पानी को साफ करने के लिए 45 करोड़ रुपए जारी। सूबे के 33 बड़े ड्रेनेज और 173 नालों के गंदा पानी को साफ करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि इन ड्रेनेज और नालों की सफाई बायो रेमेडिएशन तकनीक का उपयोग कर की जाएगी और फिर गंगा समेत अन्य नदियों में गिराया जाएगा। मालूम हो कि इस तकनीक से विभिन्न तरह के रसायनों और जीवाणुओं की मदद से नाले के गंदे पानी को नदी में गिराने से पहले साफ कर दिया जाएगा, जिससे कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। बता दें कि इसके लिए विभाग के द्वारा 191 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 10.59 करोड़ रुपए पहली किस्त के तौर पर जारी कर दिए गए थे, वहीं अब दूसरी किस्त के तौर पर 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए जारी हुई दूसरी मेरिट लिस्ट। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से बीते दिन बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं, जिसके आधार पर छात्र 24 जुलाई तक अपना नामांकन करा सकते हैं। बता दें कि छात्रों को प्रवेश के लिए सूचना पत्र दिया जाएगा, जिसे छात्रों को अपना यूजर ID डालकर अपलोड करना होगा। इसके बाद छात्रों को आवंटित स्थानों में प्रवेश लेना होगा। इन सब के अलावा बिहार बोर्ड के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वह 24 जुलाई तक नया कॉलेज या फैकल्टी चुन सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भरे जा सकते हैं। इसके आधार पर ही उन्हें तीसरी मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगी। गरीब परिवार की विधवा महिलाएं सरकार के इस पेंशन योजना का ले लाभ।
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा उन विधवा महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जो गरीब परिवार से आते हैं। बता दें कि इस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत गरीब विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से पेंशन राशि के रूप में 400 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार उस विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके साथ ही उसकी वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र विविध प्रपत्र में 2 प्रतियों में प्रखंड के RTPS काउंटर पर जमा करना होगा। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में 50,000 से अधिक शराबियों का आधार रिकॉर्ड तैयार। बिहार में शराब तस्करी करने वाले लोग बच नहीं सकते, क्योंकि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से राज्य के करीब 50,000 से अधिक अपराधियों का बायोमेट्रिक के जरिए उनके आधार का सत्यापन कर आधार रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। बता दें कि ये सभी अपराधी जिनका आधार रिकॉर्ड तैयार किया गया है, वह पिछले 5.5 महीने के दौरान शराब पीने के आरोप में पकड़े गए हैं। ऐसे में अब अगर ये अपराधी दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो तैयार किए गए इस डाटाबेस से उनकी पहचान आसानी से ली जाएगी और फिर उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। हालांकि इन सब के अलावा विभाग की ओर से इन 5.5 महीने के दौरान 400 ऐसे अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है जो दूसरी बार उससे अधिक बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोमेट्रिक के जरिए शराबियों के आधार सत्यापन की प्रक्रिया की शुरुआत विभाग के द्वारा की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोमेट्रिक के जरिए शराबियों के आधार सत्यापन की प्रक्रिया की शुरुआत विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2023 से की गई है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक नहीं होगी बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश में अब बारिश में मौसम विभाग ने इनकार किया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार थे, लेकिन अब प्रदेश में बारिश की तमाम संभावनाओं से इनकार किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावनाओं से इनकार किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन पहले की तरह बारिश अब सप्ताह में तो देखने को मिलने वाली नहीं है। वहीं मौसम विभाग अब किसानों को लेकर भी अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिश न के बराबर है। ऐसे में किसानों को सावधान रहने को कहा गया है, क्योंकि धान के पौधों के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में बारिश नहीं होने के कारण पानी की समस्या हो सकती है। 6 माह में 53,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस के द्वारा पिछले 6 महीने में राज्य में कुल 53,664 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। बता दें कि पिछले वर्ष बिहार पुलिस के द्वारा कुल 27,059 गंभीर अपराध में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई है, जिसके लिए जिला स्तर पर वज्र टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना हथियार व 2 गुना कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि पिछले वर्ष जहां 1130 हथियार और 3848 कारतूस बरामद किए गए थे, तो वहीं इस वर्ष 1414 हथियार और 6505 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस योजना से जुड़कर श्रमिक ले सकते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा लाभ। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका निर्माण वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना है। बता दें कि इस योजना के तहत श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सामान्य बीमारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों के खाते में प्रतिवर्ष 2,000 रुपए जमा किए जाते हैं। वहीं असाध्य रोगों की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के बराबर राशि दी जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए कुछ पात्रता निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करना और साथ ही बोर्ड का सदस्य होना भी आवश्यक है। ऐसे में वे श्रमिक जो इस योजना के लिए निबंधन करना चाहते हैं, वह https://bocw.bihar.gov.in/website/labor-regexp पर जाएं, और जो श्रमिक निबंधित हैं वे https://bocw.bihar.gov.in/website/scheme-apply.asp-x पर जाएं। इस योजना से अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0612-2525558 पर संपर्क कर सकते हैं।
अब जिलों की जगह प्रखंड स्तर पर बनेगी विकास की योजनाएं। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना के तहत अब राज्य में जिलों के बजाय प्रखंड स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा और प्रखंड स्तर पर ही योजनाओं को मॉनिटरिंग होगी और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। बता दें कि नीति आयोग के CEO बीबी सुब्रमण्यम के द्वारा सूबे के नोडल अधिकारियों के साथ साथ आकांक्षी प्रखंड वाले जिलों के DM व DC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर कार्य योजनाएं बनाई गई और साथ ही योजना को लेकर राज्य सरकार को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार के इस योजना में बिहार के 13 जिलों को चुना गया था, जिनमें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, गया, बांका, नवादा, खगड़िया व शेखपुरा शामिल है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 14 लाख रुपए की लूट। बिहार के नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के ओयाव गांव के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा में अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल आधा दर्जन अपराधी के द्वारा हथियार के बल पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि अपराधियों के द्वारा बैंक से 14 लाख रुपए की लूट की गई है। वहीं जब ग्राहकों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो अपराधियों के द्वारा मारपीट की गई। हालांकि इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस और फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा में पिछले एक महीने में अपराधियों के द्वारा इस दूसरे लूट को अंजाम दिया गया है। सरकारी विद्यालयों में जल्द होगी इंटरनेट की सुविधा। राज्य के हर सरकारी स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बहाल हो सके, इसके लिए बहुत जल्द ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सेवा बहाल होने वाली है। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक से विद्यालयों में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी। मालूम हो कि व्यवस्था 24 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में विभाग की ओर से जिलों को यह भी कहा गया है कि वे अपने जिले में 10 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चिन्हित करें जहां स्मार्ट क्लास पहले से संचालित किया जा रहा हो और फिर यह देखें कि ऐसे विद्यालयों में TV स्क्रीन है या नहीं और फिर BSNL का इंटरनेट कनेक्शन लेकर ट्रायल के तौर पर देखें कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं और बिना रुकावट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट का खर्च विद्यालय के विकास कोष से किया जाएगा। वहीं पहले चरण के तहत इंटरनेट प्रत्येक जिले में 10-10 स्कूलों में लगाया जाएगा और फिर आगे राज्य के सभी विद्यालयों में इसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। वंदे भारत की तर्ज पर गरीब तबके के लिए चलेगी वंदे साधारण ट्रेन। देश के गरीब तबके के लोग जो वंदे भारत ट्रेन पर यात्रा करने में सक्षम नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से उन लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर वंदे साधारण ट्रेन लेकर आने वाली है, जिसका नाम या तो वंदे साधारण ट्रेन या वंदे अंत्योदय हो सकता है। बता दें कि यह ट्रेन बिल्कुल वंदे भारत जैसी स्पीड से चलेगी, लेकिन यह नॉन AC ट्रेन होगी। मालूम हो कि एक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के तरह कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनमें 2 सेकंड लगेज गार्ड और दिव्यांग फ्रेंडली कोच, 8 सेकंड क्लास रिजर्व कोच और 12 सेकंड क्लास 3 TS स्लीपर कोच भी शामिल होंगे। लेकिन उन दोनों ट्रेनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों ओर से ऑटोमेटिक ट्रेन है, वहीं दूसरी ओर वंदे साधारण को लोको से चलाया जाएगा। बता दें कि वंदे साधारण ट्रेन के इंजनों का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में किया जा रहा है, तो वहीं ट्रेन के डिब्बे ICF में बनाए जाएंगे। यह ट्रेन इस साल के अंत तक तैयार हो सकता है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म, विपक्ष दलों का इंडिया दाव। बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में सफलतापूर्वक खत्म हो गई। बता दें कि इस बैठक में गठबंधन को सभी के सहमति से इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिव इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी और इसके अलावा विपक्ष का सचिवालय का निर्माण दिल्ली में किया जाएगा। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बैठक के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसके सदस्यों के नाम की घोषणा मुंबई में की जाएगी। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने NDA की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने भारत में इतनी पार्टियों के बारे में नहीं सुना है, पहले उन्होंने कोई बैठक नहीं की लेकिन अब वे एक एक करके बैठक कर रहे हैं, PM मोदी अब विपक्षी दलों से डर गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अब भारत बनाम PM मोदी की लड़ाई है, न कि विपक्ष और भाजपा की। इसके अलावा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि हमें एक तरफ देश को नफरत से बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत के सपने को साकार करना है, जिसके लिए हमें सभी इकट्ठा हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज के मीटिंग से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनौती की शुरुआत हो चुकी है, हमारे सभी चुनाव अभियान चुनाव प्रचार एक ही बैनर तले होंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं रहे, जिस पर विपक्षी दलों का कहना है कि वापसी की फ्लाइट होने के कारण वह मौजूद नहीं रहे।
एशिया कप 2023 में टीम इंडिया में वापसी कर सकता है ये घातक गेंदबाज। एशिया कप 2023 को लेकर फैंस के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के बाद तेजी से रिकवरी करते हुए बहुत जल्द ही टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं। दरअसल कुछ समय पहले बुमराह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे अपनी पीठ की चोट से पूरी तरह उभरे हुए नजर आ रहे थे और गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि जल्द ही उनकी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि बुमराह को भारत के आयरलैंड दौरे के दौरान टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर एशिया कप में बुमराह को रखा जाता है तो इससे भारतीय टीम को काफी फायदा मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल एशिया कप का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बंगाल के नवाब मीर कासिम को कटवा की लड़ाई में 1763 को ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह पराजित किया। भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय 1969 में लिया। भारतीय क्रांतिकारी उद्धम सिंह की अस्थियां 1974 में लंदन से नई दिल्ली लाई गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म 1827 हुआ था। मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापत बालमणि अम्मा का जन्म 1909 में हुआ था। द्वितीय, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं और नौवीं लोकसभा के सदस्य दिनेश सिंह का जन्म 19 जुलाई 1950 में हुआ था। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक जयंत विष्णु नालेडकर का जन्म 1938 में हुआ था। भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का जन्म 1948 में हुआ था। बंगाल के मुस्लिम नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन का जन्म 1894 में हुआ था। YouTube ला रहा है दो नए दमदार फीचर्स। YouTube बहुत जल्द ही दो नए फीचर्स लेकर आने वाला है। इसके लिए टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। फीचर्स अवॉइड एक्सीडेंटल टैप्स विथ लॉक स्क्रीन और लॉन्ग प्रेस टू वॉच एट 2x है। अवॉइड एक्सीडेंटल टैप्स विथ लॉक स्क्रीन फीचर से प्रीमियम यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर वीडियो देखते समय टच इनपुट को अक्षम करने देगा ताकि एक्सीडेंटल टैप से वीडियो रुक न जाए, छोड़ न दिया जाए या बाधित न हो जाए। फुल स्क्रीन मोड में वीडियो देखते समय टेस्टर स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में गियर आइकन पर टैप कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन का चयन कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग प्रेस टू वॉच एट 2x वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें कई स्टेप्स शामिल है। नई सुविधा यूजर्स को वीडियो देखते समय वीडियो प्लेयर पर कहीं भी लंबे समय तक प्रेस करने में सक्षम बनाएगी, जिससे प्लेबैक स्पीड ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मिलाने का फैसला किया है जिसका नाम बड़ौदा UP है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह अधिसूचना नकली है। ऐसा कोई निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं लिया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे तिब्बती मंदिर के बारे में। तिब्बती मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित तिब्बती शास्त्रों और कई बौद्ध प्रतीकों से अलंकृत धार्मिक केंद्र है जो खुद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मां बोधि मंदिर के समीप इस मंदिर ने अपने कुछ विशेष कारणों से अपनी अलग छवि बनाई है। यहां एक 10 मीटर ऊंचा धर्म चक्र है जिसे सुनहरे और लाल रंग से रंगा गया है। लोगों की ऐसी आस्था है कि इस चक्र को बाएं से दाएं 3 बार घुमाने से उसके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तिब्बती मंदिर का माहौल काफी शांत है और यहाँ पर लोग साधना भी करते हैं। यह बौद्ध धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों में से एक है क्योंकि यहाँ मैत्रेयी बुद्ध की छवि है जिन्हें वहाँ के भिक्षु भगवान बुद्ध के भविष्य का अवतार बताते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को किस राज्य के एक चैनल ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला सवाल, 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन भारत में कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सलेंस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला सवाल,
किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए हॉलैंड शैली, ऑप्शन बी इंडो इस्लामिक शैली, ऑप्शन सी यूरोपीय पुनर्जागरण शैली, ऑप्शन डी गॉथिक शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गॉथिक शैली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कमलेश शर्मा, रूपेश कुमार, विनीत चौहान, सरदानंद झा, नुन्नू गोलू कुमार, रामनवी मांझी, नरेश राम, विनोद कुमार गुप्ता, पंचम वर्मा, गोलू कुमार यादव, प्रभार कुमार सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, विश्ववात पंडित मंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्षी एकता इंडिया के गठबंधन से 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।